नेक्स्ट टॉपिक प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया। ठीक है, तो प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्रियल, टर्सरी सर्विस सेक्टर। तो इसके ग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसका एम्प्लॉयमेंट में कितना हिस्सा है, प्रोडक्शन में कितना शेयर है, इस तरह से। तो ग्राफ वन, GDP बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। यहाँ पे फर्स्ट 1973, 74 और 2013-14, ठीक है। तो कंपैरिजन देखें तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी बहुत आगे गई है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे 5 लाख था तो यहाँ से 55 लाख तक गई है इन करोड़, ठीक है। तो ग्राफ वन शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों सेक्टर, तो ये जो वायलेट कलर है तो वो प्राइमरी सेक्टर के लिए, उसके बाद ये रेड है वो सेकेंडरी, और ग्रीन है वो टर्सरी सेक्टर के लिए। दिस इज सोन फॉर 2 ईयर्स, 1973-74 एंड 2013-14। यू कैन सी हाउ द टोटल प्रोडक्शन हैज ग्रोन ओवर 14 ईयर्स। तो 40 ईयर्स में हमारे कंट्री ने बहुत प्रोग्रेस किया है, ठीक है। तो प्रोडक्शन जो पहले 5 लाख करोड़ था वो 55 लाख करोड़ हो गया। उसके बाद है राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो जो सर्विस सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर, ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस बढ़ा है। जैसे IT प्रोग्रामिंग आया है, ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज आया है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, ऑनलाइन कैब बुकिंग्स है, ठीक है, फूड पार्सल सर्विसेज है। तो इस तरह से सर्विस सेक्टर का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ा है, क्योंकि टर्सरी सेक्टर का। ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1973-74 एंड 2013-14, वाइल प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज, इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्सरी सेक्टर। तो प्रोडक्शन है जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, सब में इंक्रीज हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि अब लोग सर्विस भी बहुत डिमांड करने लगे हैं, ठीक है। कुरियर सर्विसेज है, टीचिंग सर्विसेज है, तो बहुत सारी सर्विसेज। एज अ रिजल्ट इन द ईयर 2013-14 द टर्सरी सेक्टर हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। तो जो टर्सरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, उसने एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को से आगे निकल गए इन प्रोडक्शन में, ठीक है। वाई इज़ द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, देर कुड बी सेवरल रीजन्स। तो सर्विस सेक्टर इतना आगे क्यों बढ़ा, उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, कि लोगों की डिमांड बढ़ गई, उन्हें अब सर्विस चाहिए, फूड, उनको अभी होम डिलीवरी चाहिए, ई कॉमर्स चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ठीक है, तो ये सब ई कॉमर्स कंपनीज है। तो अब लोगों की डिमांड बढ़ी है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बढ़ी है, ओला है, उबेर है, इस तरह से कैब बुकिंग सर्विस आ गई है, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन भी आ गया, जैसे यूट्यूब, तो इंटरनेट सर्विस। तो इस तरह से टर्सरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। होटल बुकिंग होती है तो वो भी अभी ऑनलाइन होती है, इस तरह। फर्स्ट इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। तो ये सब सर्विस सेक्टर है, जो हॉस्पिटल रिक्वायर्ड है, कोई बीमार पड़ता है, डिसीज होता है, तो उनके लिए वो ज़रूरी है हॉस्पिटल। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, स्कूल्स की रिक्वायर्ड है, ठीक है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज यानी कि जो कुरियर सर्विसेज है उस, पुलिस स्टेशंस, ठीक है, अगर कुछ भी कोई क्राइम होता है या फिर कहीं पे भी मारपीट ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन जाके रेड, पुलिस रेड करती है, ठीक है, उस पर एक्शन लेती है। कोर्ट्स है तो जुडिशियरी है, ठीक है, लोग जस्टिस के लिए वहाँ पे केस करते और लड़ते। विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, ठीक है, जो छोटे छोटे विलेज उसमें जो लोग होते हैं, वो जो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो जीतते हैं वो, ठीक है, तो वो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो वो भी एक सर्विस है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, डिफेंस, ठीक है, तो कंट्री का डिफेंस सेक्टर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कैब बुकिंग है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, ठीक है, ट्रक्स है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं,
उसके बाद है बैंक्स, तो लोग वहाँ पे मनी डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, वहाँ से लोन लेते हैं, फिर अपना गोल्ड और ज्वेलरीज होते हैं तो वहाँ के लॉकर्स में रखते हैं, तो बैंक की रिक्वायर्स है। इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंश्योरेंस देती है, ठीक है, फिर लाइफ का इंश्योरेंस देती है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस देती है, ठीक है, और कहीं भी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है फैक्ट्रीज में तो उसका जो पूरा खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस का जो इंस्टॉलमेंट होता है वो पे करना होता है, ठीक है। तो ये सब सर्विसेज अब रिक्वायर्ड है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज। इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विसेज, ठीक है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर्विसेज को ग्रो किया जाए, ठीक है। सेकंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर में जो गुड्स प्रोड्यूस होता है, मतलब जो क्रॉप होता है, वो इंडस्ट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस होता है वो प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उनके लिए उनको ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। उसके बाद है स्टोरेज की, ठीक है, तो जो क्रॉप है, तो अगर विंटर में क्रॉप होता है तो उसका स्टोरेज करना पड़ता है, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में, ताकि वो समर्स में वो अवेलेबल रहे, ठीक है। इसलिए स्टोरेज, ट्रेड, तो ये सब रिक्वायर्ड है। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज, ठीक है, तो जितना प्राइमरी और सेकेंडरी का डेवलपमेंट होगा उतनी ही नीड होगी इन सर्विसेज की, स्टोरेज की नीड बढ़ेगी, ट्रेड की बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट की बढ़ेगी। थर्ड, एज इनकम लेवल्स राइज सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एसेट्रा, ठीक है। अगर इनकम लो होती है तो वो सिर्फ मतलब बेसिक नीड्स ही वो मतलब कर लेते हैं, जैसे कि फूड है, रहना है, ठीक है। लेकिन अगर जिनकी इनकम हाई हो जाती है तो जो कुछ पीपल्स होते हैं वो सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल, उनकी डिमांड बढ़ जाती है कि उनको फूड डिलीवरी उनके घर पे चाहिए, अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ईटिंग आउट, टूरिज्म, तो अच्छे अच्छे टूरिज्म प्लेसेस घूमने जाते हैं, ठीक है, कंट्री में हो या आउटसाइड फॉरेन में हो, शॉपिंग, तो शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, बेसिक तो है, उससे अलावा डेकोरेटिव आइटम भी शॉपिंग करते हैं, इस तरह से, तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो पब्लिक हॉस्पिटल्स नहीं जाते, वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, ज़्यादा अच्छा ऑपरेशन हो वो, इस तरह से, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स जाते हैं जिसमें फैसिलिटीज़ अच्छी हो, स्विमिंग पूल हो, एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हो, इस तरह से। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जैसे कि ड्राइंग क्लास जाते हैं, स्विमिंग क्लासेस रखते हैं, तो ये सब उनकी डिमांड्स बढ़ती जाती है, ठीक है, जैसे इनकम लेवल राइज है। तो ओवर द ईयर्स जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ी है तो इनकम लेवल बढ़ा है लोगों को। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज, एस्पेशली इन बिग सिटीज। तो ये विलेजेस और छोटे टाउन्स की जगह बिग सिटीज में ये लोगों का डिमांड ज़्यादा होती है सर्विस सेक्टर के लिए। फोर्थ, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी, तो उसका भी मतलब डिमांड बढ़ गई है, हैव बिकम इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। तब लोगों को मोबाइल डेटा भी चाहिए, ठीक है, उस तरह से ऐप्स भी चाहिए उसमें, ठीक है, उसके बाद वो होटल बुकिंग, कैब बुकिंग, फूड बुकिंग, ठीक है, रेस्टोरेंट बुकिंग, तो वो सब अपने मोबाइल से ही करना चाहते हैं। तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ग्रो किया है, तो वो भी बढ़ी है। द प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली, और वो रैपिडली राइज हो रहा है, ई कॉमर्स मार्केट जैसे राइज हो रहा है। इन चैप्टर 4 वी शैल सी एग्जांपल्स ऑफ दिस न्यू सर्विसेज एंड द रीजंस फॉर दिस देयर एक्सपेंशन, ठीक है, तो जो सर्विस है वो एक्सपांड होती जा रही है, ठीक है, ई कॉमर्स का मार्केट बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, अब तो रेलवे में भी फूड्स अवेलेबल है, ऑन द सीट आ जाता है, ठीक है, मोबाइल से बुक करने पर। हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट
नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल. तो हर एक सेक्टर का ग्रो सेम नहीं होता है, कोई सेक्टर ज़्यादा तेजी से जाता है, कोई सेक्टर कम तेजी से जाता है. सपोज ई कॉमर्स ज़्यादा तेजी से आ रहा है, तो उस तरह से ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइवेट ट्यूशन से स्कूल से वो भी उतनी स्पीड से ग्रो कर रहे हो. सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. एट वन एंड देर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स. तो जो सर्विस सेक्टर है उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयज़ की, तो बेसिकली वो डिपेंड करता है. कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्किल और एजुकेटेड वर्कर चाहिए. सपोज कोई इंडस्ट्री है या फिर कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ पे हाईली स्किल एंड एजुकेटेड वर्कर्स रिक्वायर होते हैं. आईटी कंपनी है तो वहाँ पे जो प्रोग्रामर्स हो तो वो भी बहुत स्किल चाहिए. बैंक है तो उसमें मैनेजर्स हो, तो स्किल और एजुकेटेड ज़रूरी होता है. एट द अदर एंड देर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन सर्विसेज सच एज स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन्स, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स एसेट्रा. तो जो छोटी छोटी दुकान लगाते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी पकौड़ा तलते हो या फिर वड़ा पाव बेचते हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो भी एक सर्विस ही है. ठीक है, रिपेयर सर्विसेज यानी कि टायर पंचर हो जाए, ठीक है, तो वो रिपेयर पर्सन्स है, इलेक्ट्रिशियन है, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स, ठीक है, जो टैक्सी चलाते हो, रिक्शा चलाते हो, तो ये सब इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज होते हैं, जबकि बैंक में मैनेजर एक ही होता है. इस तरह से दिस पीपल बैरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग एंड येट दे परफॉर्म दो दिस सर्विसेज बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम. तो ये लोग ये वर्क रिक्शा क्यों चलाते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरी अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं है, स्पेशली इंडिया में तो अभी कम है. ठीक है, लोग पिज़्ज़ा हट में काम करते हैं, पिज़्ज़ा डिलीवरी करने जाते हैं, ठीक है, ताकि उनका लिविंग हो पाए, मैनेज कर पाए, उनका डेली जो एक्सपेंसिस है वो मैनेज कर पाए. इसलिए हैंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस. तो इसमें जो कुछ कुछ लोग हैं, सर्टेन पीपल, ठीक है, जिनका ग्रो बहुत फास्ट हो रहा है, उनका इनकम बहुत राइज हो रहा है, लेकिन ये जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं, रिक्शा ड्राइवर्स है, ठीक है, शॉपकीपर्स है, तो वो इतनी जल्दी इतने स्पीडीली ग्रो नहीं करते. तो ये जो सेक्टर है उसका कुछ पार्ट ही है वो उसका इम्पोर्टेंस है ग्रोइंग में. यू शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन.